ये तो हमने बता दिए टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, जितनी भी वजह थी डिसकंटिन्यूटी की उनको नाम दे दिया हमने। अब थ्योरम्स, कुछ स्टैंडर्ड थ्योरम्स हैं। लिमिट नाम के चैप्टर में हमने कुछ फंडामेंटल्स रूल लिखे थे, कुछ फंडामेंटल रूल थे, दो फंक्शन है जिनकी लिमिट अगर एग्जिस्ट करती है तो उनके अलजेब्रिक ऑपरेशन से बनने वाले फंक्शंस की लिमिटें भी एग्जिस्ट करेगी। बहुत गहरा रिश्ता है लिमिट और कंटिन्यूटी का। फर्स्ट लेक्चर में हमने बात कर ली थी इस बारे में, बहुत गहरा रिश्ता है लिमिट और कंटिन्यूटी का। सिर्फ एक फंक्शनल वैल्यू भर का डिफरेंस है, इतना ही तो डिफरेंस है। एक फंक्शनल वैल्यू ही तो एक्स्ट्रा जुड़ी, बाकी तो सब लिमिट वाला ही है भी वास्तव में। तो लिमिट से कंटिन्यूटी और कंटिन्यूटी से लिमिट के रिश्ते बनाए जा सकते हैं, इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए। मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ बोली है, जो आदमी कंसेप्चुअली पढ़ेगा ना चीज़ों को, उसको मेरी चीज़ अच्छी लगेगी। ज़्यादा डिटेल में बताऊँगा नहीं, मैं जानबूझ के। एक फंक्शन लिया एफ, एक फंक्शन लिया जी, और उनके एल्जेब्रिक फंक्शन से बनने, एल्जेब्रिक ऑपरेशन से बनने वाले नए फंक्शन, ठीक है। जब भी मैं बात करता हूँ रेंडमली, तो मैं किसी ना किसी पॉइंट एट एक्स इक्वल टू ए पे कर रहा होता हूँ बात, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। तीन थ्योरम्स बनाई मैंने, थ्योरम वन, थ्योरम टू, थ्योरम थ्री। तीनों थ्योरम एक साथ ही लिख दिया मैंने। क्या है थ्योरम, सुनो। अगर दोनों दिए गए फंक्शन कंटिन्यूस है, एक बात, एक फंक्शन कंटिन्यूस और एक फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, दूसरी बात, और दोनों फंक्शन डिसकंटिन्यूस। दोनों फंक्शन डिसकंटिन्यूस, यही बात हो सकती है भाई। अगर आपने मेरे को दो फंक्शन दिए तो या दोनों कंटिन्यूस होंगे, एक कंटिन्यूस एक डिसकंटिन्यूस, या दोनों डिसकंटिन्यूस, ठीक है। अच्छा, इन तीन केसेस में ये जो ये वाला जो केस है ना, फर्स्ट वाला, ये लिमिट के एग्जिस्टेंस वाला केस होगा शायद दोनों का। अरे नेचुरल सी बात है, दोनों कंटिन्यूस है तो लिमिटें तो एग्जिस्ट करती होगी, है तो उनके एडिशन सब्ट्रैक्शन प्रोडक्ट डिवीजन से बनने वाले फंक्शनों के साथ भी यही होने वाला है, सेम ही बात है। अरे समझ रहे हो, तो ये भी क्या बनेंगे भैया, कंटिन्यूस। इसके साथ एक कंडीशन आएगी, है g of a must not be equal to zero. वो g of a zero नहीं होगा तो लिमिट भी जीरो नहीं होगी। अगर कंटिन्यूस है गुलाब जाम, अगर खुद जीरो नहीं है तो लिमिटिंग वैल्यू भी जीरो नहीं होगी। तो मैंने तो खुद को ही जीरो होने से मना कर दिया भाई साहब, तो जीरो मत होना ए पे, बस सही है। एक कंटिन्यूस है एक डिसकंटिन्यूस है, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन से बनने वाला फंक्शन तो डेफिनेटली डिसकंटिन्यूस होगा, जबकि प्रोडक्ट डिवीजन पे कोई कमेंट नहीं किया जा सकता। डैश डैश का मतलब क्या है, नो कमेंट। नो कमेंट्स का क्या मतलब, कंटिन्यूस भी हो सकता है डिसकंटिन्यूस भी, हमें नहीं पता भाई। दोनों डिसकंटिन्यूस है तो किसी पे कोई कमेंट नहीं किया जा सकता, हम किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते, ना एडिशन के बारे में ना सब्ट्रैक्शन के बारे में। ये वही वाली बात है, अगर दो फंक्शन है जिनकी लिमिटें एग्जिस्ट नहीं करती, जिनकी खुद की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन से बनने वाली फंक्शंस पे मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। ये इससे अपन ये जो कंटिन्यूटी की थ्योरम्स लिखी है, इससे चाहूँ तो मैं लिमिट वाली चीज़ें खुद ही बना सकता हूँ। अगर मेरे को दो फंक्शन दिए हैं जिनकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, और स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि उनके एडिशन से बनने वाले फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, फॉल्स, कर सकती है भाई, नो कमेंट। मैं कर नहीं सकता ना कमेंट, सही है। किसी ने एग्जाम्पल लेने को बोल दिया, सही है। देखो लिमिट नहीं एग्जिस्ट करेगी, इसके लिए तो मैं सैकड़ों दे सकता हूँ। लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, दो नॉन एग्जिस्टेंट फंक्शन के एडिशन सब्ट्रैक्शन से बनने वाले फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करानी हो, इसका एग्जांपल लेना है, कोई बताएगा क्या एग्जांपल? इतना बड़ा एग्जांपल लेना ही नहीं चाहिए, पता है। सबसे सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, देखो सर, एक फंक्शन है वन बाई एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचिंग जीरो, एग्जिस्ट डज नॉट एग्जिस्ट, जल्दी बोलो फटाफट, डज नॉट एग्जिस्ट, विश्वास नहीं है ना, हाँ करना पड़ता है भाई विश्वास।
लिमिट एक्स अप्रोचिंग जीरो, वैसे तो मैं 1/x ही लेने वाला था, बट चलो ठीक है, फिर तुम गुस्सा करोगे ये आई का मतलब थोड़ी होता है। हाँ तो ठीक है, 1/sin x ले लो यार, बुरा मत मानो, इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, जल्दी बोलो यार फटाफट यार। अरे यार बोल ही नहीं पा रहे हो, नहीं करती, एडिशन करके देखते हैं, एडिशन करके देखते हैं ना, चलो एडिशन करो जल्दी फटाफट, 1/x + 1/sin x, LCM, x sin x, डिमांड x, x अप्लाई x वापस, कितना है x square, उसकी औकात नहीं x square को सेटल करने की, वो सिर्फ x सेटल कर सकता था, कितना x दिया, कितना है x square, औकात ज्यादा कम, ज्यादा क्या जाएगा इन्फिनिटी, एग्जिस्ट करता है नहीं करता, नहीं करता, ये नहीं करने का एग्जाम्पल। अब डिफरेंस करके देखते हैं, क्या करके देखते हैं, इन्हीं को दोनों को डिफरेंस करके देख लेते हैं भाई, क्या बनेगा 1/x - sin x, एलसीएम बोलो, एक्स साइन एक्स ऊपर गया, साइन एक्स माइनस एक्स, एक्स अप्लाई एक्स वापस, कितना बना एक्स स्क्वायर बना भाई साहब, ऊपर वाले की औकात कितनी है, एक्स क्यूब दिया क्या है, एक्स स्क्वायर कम ज्यादा, कम ज्यादा, कम देते हैं तो क्या आता है, एग्जिस्ट कर गई भाई साहब, कर भी सकती नहीं भी कर, तो यही तो हम कह रहे हैं, कर भी सकती नहीं भी कर सकती, ठीक है, हम तो कमेंट ही नहीं कर सकते भैया, सही है। अच्छा एक चीज जरूर ध्यान में रखो, हमेशा मैं बोलता तो हूँ लेकिन लोग सुनते नहीं, जो एडिशन के साथ होगा ना वो सब्ट्रैक्शन के साथ जरूर होगा, और जो प्रोडक्ट के साथ होगा वही डिवीजन के साथ होगा, क्योंकि एक ही चीजें होती है, प्रोडक्ट डिवीजन एक ही चीज है, एडिशन सब्ट्रैक्शन एक ही चीज, सब्ट्रैक्शन इज अ काइंड ऑफ एडिशन भाई, सेम है रिजल्ट, इधर नो कमेंट तो इधर भी नो कमेंट ही भाई साहब, यहाँ नो कमेंट हो गया तो यहाँ नो कमेंट, और यहाँ नो कमेंट तो यहाँ 100% नो कमेंट, सेम रिजल्ट आते हैं हमेशा, तो वो कोई अलग अलग चीजें नहीं होती, वो तो जबरदस्ती किताबों में चारों चीजें लिखी हुई, इसलिए हमने लिखा दी भाई, किताब पढ़ के कोई ऐसे सदमे में ना जाए, और सॉरी उसने तो सब्ट्रैक्शन का पता ही नहीं था उस गेले को, एक ही बात होती है भाई, गेला क्या है इसमें, हाँ ये समझ में आ गया। अच्छा सुनो क्या कह रहा था मैं, अच्छा एग्जाम्पल ले रहे थे हम इनके, इनकी तो एग्जाम्पल हमने लिए नहीं, क्यों नहीं लिए, तो लिमिट में पूरा यही तो किया है, पूरे लिमिट में यही प्रोग्राम किया हमने, ये वाला, इनके एग्जाम्पल लेने की जरूरत नहीं थी, यहाँ से जरूरत पड़ी, क्यों पड़ी जरूरत, कि यार एक फंक्शन तो कंटिन्यूस है, एक फंक्शन डिसकंटिन्यूस, तो प्रोडक्ट और डिवीजन के बारे में लोग बोल नहीं पा रहे, कंटिन्यूस भी हो सकता है डिसकंटिन्यूस भी हो सकता है, एक एग्जाम्पल लिया हमने इसके लिए 93, लो जी साहब f ऑफ x साइन 1/x व्हेन x नॉट इक्वल्स टू जीरो, व्हेन x इज इक्वल्स टू जीरो इट्स जीरो, एट x इक्वल्स टू जीरो दिस फंक्शन इज ओपे डिसकंटिन्यूस, अभी तो लिखा था ऑसिलेटरी टाइप के, सब पागल हो गया, वही एग्जांपल लिया भाई, अच्छा एक कंटिन्यूस लिया, एक क्या ले लूं, ओ सॉरी एक डिसकंटिन्यूस लिया, दूसरा क्या ले लेते हैं कंटिन्यूस, तो एक्स ले लिया, इससे सिंपल क्या लेंगे, एट एक्स इक्वल टू जीरो दिस इज कंटिन्यूस, नीडलेस टू से, इसके लिए भी अगर प्रमाण देना पड़े तो फिर तो भाई साहब ऐसे जीवन का क्या फायदा, फिर ये तो कंटिन्यूस ही है। अच्छा एफ इंटू जी से एक नया फंक्शन बनेगा, बनेगा बोलो फंक्शन, एक्स इंटू साइन 1/x कब, जब एक्स जीरो, और जब एक्स जीरो है तो क्या है जीरो, नहीं समझ रहे, इसको मैंने एक नया फंक्शन मान लिया एच एक्स, ठीक है, देखो इसका डिसकंटिन्यूस होना ऑब्वियस था, जब एक कंटिन्यूस एक डिसकंटिन्यूस हो तो आप तो प्रोडक्ट कंटिन्यूस लाके दिखाओ तो हम सरप्राइज होंगे, ठीक है, तो इसकी लिमिट निकाली हमने, क्या निकाली एक्स अप्रोचिंग जीरो एक्स इंटू साइन 1/x, दिस पार्ट ऑफ द मूवी अप्रोचेस, ये कहीं अप्रोच ही नहीं कर रही, ये तो फाइनाइट है, जीरो इंटू फाइनाइट जीरो विच इज इक्वल्स टू एफ ऑफ जीरो, ओ सॉरी एफ नहीं, विच इक्वल्स टू एच ऑफ जीरो, यानी कि फंक्शन क्या है कंटिन्यूस, तो एक कंटिन्यूस और एक डिसकंटिन्यूस का प्रोडक्ट जो है वो कंटिन्यूस भी हो सकता है, लोगों ने इसके लिए भी ऐसे एग्जांपल मांगे हमसे, यार एक कंटिन्यूस और एक डिसकंटिन्यूस को जोड़ के और सब्ट्रैक्ट करके दिखाओ, तो हमने बोला कि हम तो डेफिनेटली बोल रहे हैं भाई ये डिसकंटिन्यूस है, और अगर हम इसे डेफिनेटली डिसकंटिन्यूस बोल रहे हैं
तो फिर तो हम इसे इन जनरल भी प्रूव कर सकते हैं, जिस चीज को हमने डेफिनेट रिजल्ट दिया है उसे एग्जाम्पल से प्रूव करके नहीं दिखाया जाता भाई। हम इनके लिए एग्जाम्पल से प्रूव करके बता सकते हैं क्यों, क्योंकि हम नो कमेंट बोल रहे हैं, नो कमेंट का तो कुछ भी हो सकता है, हमें पता ही नहीं। इसके लिए हम एग्जाम्पल लेके बता सकते हैं, देखो कंटिन्यूस भी आ गया, देखो डिसकंटिन्यूस भी आ गया, अभी भी नहीं समझ आ रहा। लेकिन अगर आपको किसी चीज को डिसकंटिन्यूस मतलब एकदम सीना ठोक के बोल दे भाई साहब डिसकंटिन्यूस ही है, तो फिर तो प्रूव करना पड़ेगा। तो प्रूव करते हैं, ट्राई करते हैं एक बार, किसी को समझ में आ रहा है मैं क्या प्रूव करने जा रहा हूँ? अगर एक फंक्शन कंटिन्यूस दिया है एक फंक्शन डिसकंटिन्यूस दिया है, तो ये प्रूव करना है कि f प्लस जी और f माइनस जी एडिशन और सब्ट्रैक्शन से बनने वाले फंक्शन 100% डिसकंटिन्यूस ही होंगे। वी विश टू प्रूव दैट इन एनसीईआरटी फैशन। इफ f इज कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू a एंड g is discontinuous at x equals to a, then f plus minus g must be discontinuous at x equals to a. ये मैं प्रूव करना चाहता हूं भाई। एनसीईआरटी कुछ चीजें बहुत अच्छे से प्रूव करते हैं, मतलब बड़ा अच्छा लगता है पढ़ने में। ये जो यहाँ लिखा है ये गिवन है, गिवन ये ऊपर की जो दो चीजें लिखी है ना इन्हें बोलते हैं गिवन, और ये जो तीसरी लाइन लिखी है इसे बोलते हैं वी विश टू प्रूव दैट, वो मैंने ऊपर ही लिख दिया, गलत बात है। ये तो गिवन डाटा है कि एफ को माना कंटिन्यूस, जी को माना डिसकंटिन्यूस, तो प्रूव करो भाई साहब कि एफ प्लस माइनस जी जो बनेगा वो डेफिनेटली डिसकंटिन्यूस। ठीक है चलिए प्रूफ शुरू करते हैं। लेट f प्लस जी इज कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू a। तो मैंने पहली बार देखे थे ना जिंदगी में ऐसे वाले क्वेश्चन, मुझे बड़ा गुस्सा आता था कि यार किसे पागल है यार प्रूव करने डिसकंटिन्यूस मान रहे। इंग्लिश नहीं समझ आती, धीरे धीरे आई ना भाई। बड़ा गुस्सा आता था भाई कसम से, अरे कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब ही नहीं पता था भाई। बड़ा गुस्सा आता था, ये कैसे पागल लोग सारे डिसकंटिन्यूस प्रूव कर कंटिन्यूस मान लिया। एफ प्लस जी को क्या मान लिया भाई? कंटिन्यूस। तुम माइनस को मान लिया तुम बुरा लग रहा होता, ठीक है एक ही बात है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको मैंने मान लिया भाई कंटिन्यूस, इसको कोई नया नाम दे देते हैं एच एक्स। अब एच एक्स को क्या माना जा चुका है? और एफ ऑलरेडी कंटिन्यूस दिया हुआ है, एफ जो है वो कंटिन्यूस गिवन है, समझ रहे हो क्या? एंड एफ इज गिवन कॉन्टिन्यूस। भाई साहब लिमिट के जमानों से प्रथा चली आ रही है कि दो फंक्शनों की लिमिटें एग्जिस्ट करती हो तो एडिशन सब्ट्रैक्शन प्रोडक्ट डिवीजन से बनने वाले फंक्शनों की लिमिट डेफिनेटली एग्जिस्ट करेगी। वही चीज यहाँ पे वो परस्यू करी गई है। आगे अगर दो फंक्शन कंटिन्यूस है तो एडिशन सब्ट्रैक्शन प्रोडक्ट डिवीजन से बनने वाले फंक्शन भी कैसे होते हैं? आज एच एक्स को कंटिन्यूस माना गया, मैंने माना, एफ एक्स कंटिन्यूस गिवन है, दिस नेसेसरीली इंप्लाइज एच माइनस एफ मस्ट बी कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू ए। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा भाई साहब? एच माइनस एफ तो 100% कंटिन्यूस, और एच माइनस एफ है कौन? एच कौन है? एफ प्लस जी। एफ प्लस जी माइनस एफ इज जी, दिस इंप्लाइज जी मस्ट बी कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू ए। इसके नीचे एक प्यारा सा स्टेटमेंट विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, which is a contradiction, hence our supposition was wrong. ऐसे लिखते हैं भाई, hence our suppose रट रखा है भाई मैंने, बिल्कुल रटने का ही पैसा है भाई वहां पे। hence our supposition was wrong, hence again f plus d is a discontinuous function at x equals to a. similarly we can say for f minus g also. hence root. हो गया भाई समाप्त पूरा। अच्छा ये और बचे थे दो डिसकंटिन्यूस फंक्शन का भी एग्जांपल लेके दिखाओ, ऐसे नहीं मानेंगे हम कि उनके एडिशन सब्ट्रैक्शन प्रोडक्ट डिवीजन के बारे में आप कमेंट क्यों नहीं कर पा रहे? ये बहुत फनी है भाई, इसका एग्जांपल भी बहुत फनी है।
उड़ा दूं? उड़ा दिया। लो एग्जांपल तो लिख लो, दो डिसकंटिन्यूस फंक्शन के एग्जांपल लिखो। एग्जांपल नंबर 94, एफ एक्स एक एग्जांपल, एक फंक्शन लिया मैंने माइनस वन और प्लस वन, व्हेन एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो, व्हेन एक्स ग्रेटर देन जीरो, और जी एक्स नाम का एक एग्जांपल लिया मैंने। एग्जांपल क्या चल रहा है भाई, फंक्शन लिया है वन और माइनस वन, एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो, व्हेन एक्स ग्रेटर देन जीरो। चूंकि मुझे दोनों डिसकंटिन्यूस फंक्शन लेने थे, इसलिए मान लो कि दोनों डिसकंटिन्यूस है, किस पे? एट एक्स इक्वल टू जीरो। ये मैं बिल्कुल नहीं समझाऊंगा कि डिसकंटिन्यूस क्यों है, इसलिए मेरी तरफ आसा मेरी निगाह से देखने का कोई फायदा नहीं है। बताऊं हैं? मेरी इच्छा करती कभी कभी आशा भरी निगाहों का नाम चेंज करके सारा भरी निगाहों ये देखते रहते आशा भरी निगाहों से मेरी तरफ, कुछ बताएगा और नहीं बताना भाई, हो गया खत्म। डिसकंटिन्यूस है यार, एफ प्लस जी देखते हैं, बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छा बनेगा देखना। एफ प्लस जी टणोंग टणोंग जीरो, टणोंग टणोंग जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, कैसा आया? कॉन्टिन्यूस है, समाज पागल हो गया। अच्छा बेटा, इसका मतलब एडिशन से बनने वाले फंक्शन कंटिन्यूस। मैंने बोला ना बेटा ना, सबर रख, सब्ट्रैक्ट करके देख। एफ माइनस जी सब्ट्रैक्ट किया इसे, माइनस वन माइनस वन माइनस टू फॉर ऑल एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो, समझ रहे हो? इनको सब्ट्रैक्ट करो, टू फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन जीरो, ये कैसा आ गया? और वही सब डिसकंटिन्यूस आ गया। किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा? मास्टर तू जल्दी कैसे देख रहा है, इसमें क्या देखना है भाई? एक माइनस टू है, टू है, डिसकंटिन्यूस है ही, एक्स इक्वल टू जीरो, प्रोडक्ट कर लो यार, ऐसी क्या बात है। लो प्रोडक्ट क्या आएगा, ले कंटिन्यूस आ गया, मजाक चल रहा है भाई ये तो, ये कंटिन्यूस आ गया, इसका मतलब डिवीजन डिसकंटिन्यूस आएगा। नहीं भैया, ऐसे के भावुक नहीं होते हैं। ये कोई बात थोड़ी हुई कि ऑर्डर थोड़ी चल रहा है कोई, कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस कंटिन्यूस, कुछ भी हो सकता है भैया, हमें पता ही नहीं है, डिवीजन भी कंटिन्यूस ही है। वो एग्जाम्पल ऐसा लिया है यार, इसलिए है ना।